हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन द कंसिस्टेंसी इन साइलेंस यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेज़ क्लास वी विल बी गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द कंसेप्ट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड in USA. There's a famous case called Marbury versus Madison case, and the judge was I think John Marshall. So in this case, first time the origination there is a origination of judicial review concept. In India also we have the judicial review concept, and it is in fact the part of basic structure doctrine. Then in India the pioneers, चलो वो इससे थोड़ा मिलता जुलता चैप्टर है, PIL का है, अगला इसी क्लास में हम पढ़ेंगे, वो रहने दीजिए अभी। कंपेरिजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बिटवीन USA एंड इंडिया। सो वी कैन कंक्लूड डैट जुडिशियल रिव्यू पावर्स इन इंडिया इज मच नैरोअर देन द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द USA. वाई इज दिस सो? सी, इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन of USA itself it is written due process of law, but in India in our constitution it is written by law. But we also know in the मेनका गांधी केस 1978 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन इंस्टिल्ड इन 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट इट हैजन बीन रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट द जुडिशरी हैज इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 इन सच अ वे दैट इट हैज इंक्लूडेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑल्सो। नाउ वट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? इन द प्रीवियस क्लासेज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू थॉरोली वट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ डैट हैज बीन रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डैट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाई द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। बट वो एक्सप्लेनेशन थी, वहाँ मेन्स में एग्जाम होगा तो आप वहाँ क्या लिखोगे? We have to use crisp sentences, specific words to define our thought and feelings in the examination. So इसीलिए हमको पढ़नी पड़ती है लक्ष्मीकांत and we have to revise it number of times. तो अगर आप लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट ली होगी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गेव पावर टू द जुडिशरी टू एनल अ लॉ वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल grounds. सो दिस इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन डेट वी हैव टू राइट इन एग्जाम हॉल्स। बट वट इज द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? देखिए आपको डेफिनेशन फॉर्मेशन बताता हूँ। वी डोंट हैव टू मग अप द डेफिनेशन, वी हैव टू क्रिएट अवर ओन डेफिनेशंस इन एग्जाम हॉल। तो जुडिशियल रिव्यू की हमने दो तीन बार डेफिनेशन पढ़ी हुई है, बट वी कांट एबल टू रिकॉल इन द एग्जाम हॉल।
ये अक्सर चीज़ हो जाती है ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। सो जल्दी जल्दी अपने से सवाल पूछे, जुडिशियल रिव्यू है क्या, अप्रोच है क्या, हम किसी चीज़ को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं क्या? अप्रोच तो नहीं है ये, इट इज़ अ पावर, यस इट कैन बी अ पावर एंड इट कैन बी अ टूल। सो दोनों चीज़ों में से कोई एक आप चीज़ लिख सकते हैं, इट इज़ अ पावर और अ टूल। किसके पास है ये पावर या टूल? इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी। सो ये तो हमको पक्का पता चल गया है। बट वट इज़ दिस पावर यूज फॉर? टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू से और क्या करता है? टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ लॉ। कोई लूप होल तो नहीं है प्रोसीजर में क्रिएट करने में लॉ को, या कोई गलत इंटेंशन से तो नहीं क्रिएट किया गया? दिस इज एक्चुअली द जुडिशियल रिव्यू। बट किससे ये ऑथेंटिसिटी चेक होती है? वट इज़ द लिटमस टेस्ट फॉर दिस? यस द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो और अच्छा वर्ड क्या होगा? टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ। हमारे पास लॉ एक ही तरह के, दो तरह के भी हो सकते हैं। यस एक है हमारे पास लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स, और दूसरा कौन सा? एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव क्या देती है? ऑर्डर्स देती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये जो लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है, दिस पावर हैज बीन कन्फर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन? नो, ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर इन हैंड्स ऑफ जुडिशरी और टूल इन हैंड्स ऑफ जुडिशरी टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। कितने आसान थे। सो ऐसे जल्दी जल्दी अपने आप से पूछ लीजिए क्या क्या हमें चाहिए। नो दिस वॉज ऑल अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। अगर आपको दो तीन एग्जाम्पल देने हैं तो आप दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जुडिशियल रिव्यू के, पर दो तीन भी आप दे सकते हैं। जैसे हमारा केशवानंद भारती केस है, वो एक हो गया। देन IR कोहेलो केस है, वो एक हो गया, वो अभी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। IR कोहेलो केस, सो द फैक्ट वॉज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट विच प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्शन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑन 9th Schedule। 9th Schedule has been inserted by the First Amendment Act of 1951 or 2, ऐसा था कुछ। So, by a subsequent amendment to the Constitution, the Parliament has enacted such a law which restricts judiciary from using this tool on the laws that have been inculcated in the 9th Schedule. So, there was a case, IR Kohelo case. In 2007, in which judiciary gave the judgment that this particular thing, judicial review, जो आपने restrict किया है, this is unconstitutional. There can be no blanket immunity to particular provisions of the laws. सो इसमें जुडिशरी ने ये बोला कि ऑल द लॉज विच हैव बीन इंस्टिल्ड इन स्केड्यूल 9th ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द केशवानंद भारती जजमेंट, जुडिशरी हैज़ ऑल द पावर्स इन द वर्ल्ड टू डू द जुडिशियल रिव्यू ऑफ दैट लॉज। अंडरस्टूड? दिस इज ऑल्सो नोन एज अ केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो ये भी आप लिख लीजिए। नाउ येट अनदर कन्फ्यूजिंग टर्म टू दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म।
और डायनामिज्म. नाउ हियर जुडिशरी विल स्टार्ट प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल. अ प्रोएक्टिव रोल फॉर द किसको बचाएगी? फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को एंड टू प्रमोट द जस्टिस इन द सोसाइटी. सो जुडिशरी इज प्लेइंग द प्रोएक्टिव रोल. इट इज टेकिंग द स्टेप फर्दर फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. अंडरस्टूड? सो दैट इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म. अब इसके भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एंड वन सच एग्जाम्पल इज द केस ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. सो दिस PIL इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड येट अनदर टर्म विच इज अपोजिट टू दिस इज जुडिशियल रेस्ट्रेंट. जुडिशरी वाइल गिविंग द जजमेंट विल टेक 2 to 3 स्टेप्स फॉरवर्ड इन डिलीवरिंग द जस्टिस. इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज इन्फ्रिंजिंग इन द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव बॉडीज. सो ये दस नंबर ऑफ CJIs, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टाइम एंड अगेन हाईलाइटेड दैट जजेस वाइल गिविंग द जजमेंट्स शुड प्रैक्टिस जुडिशियल रेस्ट्रेंट. अपने स्फियर, अपने ज्यूरिसडिक्शन को लांघो मत. खुद CJI बोलते हैं ये सारी चीज़ें. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजमेंट्स लाइक केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जजेस केस जिसमें कॉलेजियम बनाया, इन सब केसेस में सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ रिफ्लेक्शन दैट जुडिशरी इज ऑल ओवर पावरफुल. इट कैन डू एनीथिंग इट वॉन्ट्स. सो द लोअर जजेस, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दे वर ऑफ द व्यू दैट यस, सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ आवर साइड एंड विद द व्यू ऑफ आर्टिकल 142 फॉर द कंप्लीट जस्टिस इन द सोसाइटी वी कैन गो बियॉन्ड आवर ज्यूरिसडिक्शन. सो एक मैसेज गया था उस टाइम पीरियड में. सो तभी से CJI ने बोलने लगे, जितने भी CJI थे, कि प्लीज़ प्रैक्टिस जुडिशियल रेस्ट्रेंट. केस टू केस बेसिस में हमें ये सारे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, बट इट डजेंट मीन, इट डजेंट शोकेस द ओवरऑल सुपरमैसी ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. अंडरस्टूड? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म एंड वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. द आइडिया केम फ्रॉम येट अगेन USA सोशल एक्शन लिटिगेशन प्रोसेस. सो बस नाम चेंज है. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटिगेशन दैट विल बी इंस्टिल्ड बाय द पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन एंड इट द लिटिगेशन सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज. तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की हो सकती है. इन द मीन्स यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट वट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड हाउ इट हैज़ बीन मिसयूज बाई द पब्लिक ऑफ इंडिया. सो दिस काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ मीन्स क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन द मीन्स. सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इट इज़ अ लिटिगेशन फाइल्ड बाई एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन. देन येट अगेन दिस अ टर्म प्रो बोनो पब्लिको. सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ PIL. इट मीन्स फॉर पब्लिक गुड, प्रो बोनो पब्लिको. एनी पर्सन हु डजेंट हैव एनी अल्टीरियर पर्सनल इंटरेस्ट बट द प्राइमरी इंटरेस्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, सो दैट पर्सन कैन वेरी वेल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. दीज टू कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू. बताना भूल गया था. एंड इन दीज टू कोर्ट्स ओनली वी कैन फाइल द PIL. सो जो एक जॉली LLB है उसमें शायद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में PIL डाल देते हैं. डैट इज रॉन्ग. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में. सो प्रो बोनो पब्लिको, फॉर द पब्लिक गुड यू कैन फाइल अ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स.
वाइल लिसनिंग टू दिस PIL, द सुप्रीम कोर्ट और द हायर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन गिव अ डिक्री विच विल सर्व पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज. अगेन द कोर्ट हैज अ पावर टू रेमिट द पब्लिक, नॉट द पब्लिक फिक्स द कोर्ट फीस. यहाँ तक कोर्ट जा सकता है कि भाई जो भी आपकी लिटिगेशन की फीस है वो भी हम हटा देंगे अगर आप बहुत अच्छी PIL लेके आए हो. देन दिस PIL कंसेप्ट हैज पुट रेस्ट्रेंट्स ऑन द आर्बिट्रेरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर्म्स. द PIL कंसेप्ट इज प्रोवाइडिंग वॉइस टू वॉइसलेस पीपल. सो सच आर द इम्पोर्टेंस ऑफ PIL, बट इट हैज़ बीन मिसयूज्ड. इट हैज़ बीन मिसयूज्ड टिल सच एन एक्सटेंट दैट इट्स इनफॉर्मल नेम हैज़ बीन कॉइंड पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन. इन टूडेज टाइम इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ टूल फॉर हैरेसमेंट फॉर बिग कॉरपोरेट्स. It has been used for the publicity or media stunt. So such kind of things are attached with the PIL, public interest litigation. Now what are the various steps that have been taken by the judiciary to overcome this misuse of PIL? First of all, the judiciary has been overburdened by the number of cases. 4.6 crore cases have been pending in the judiciary. Judge to population ratio, population is 1 million. Judge to population ratio is just 21.03. The halat, the condition of judiciary is this. And you have yet again innovated a concept of PIL. So there is overburdening of judiciary. So thus, for discouraging the filing of frivolous PILs, the Supreme Court has taken a number of steps. The first is imposing heavy penalty like in the recent case of Juhi Chawla. Then the court has shifted the authority to the litigant to establish a prima facie case in front of judiciary. It means if you are coming as a litigant in the PIL, it is your responsibility, the onus is on your shoulder to prove it that it is worth listening. It is worth the time of judiciary to listen and give judgment to this PIL. Or agar nahi hai to imposing heavy penalties. Screening committees has been formed comprising of social activists and the senior lawyers to listen to these cases. Agar prima facie koi case establish ho raha hai in screening committees mein, then it will be taken by the judges of the Supreme Court and High Court. Yet again, the courts have appointed amicus curiae, it means friends of court, to scrutinize such number of PILs. So such number of things have been taken and measures have been taken by the judiciary to curb the menace of frivolous filing of PILs. One last thing before ending this session. The power of judicial review or judicial activism rests with judiciary, and judiciary time and then has used this power against itself
मतलब जुडिशरी ने अपने ऊपर पावर यूज की है, लेजिस्लेटिव आर्म पे भी की है, एग्जीक्यूटिव आर्म पे भी की है। लेजिस्लेटिव आर्म पे कैसे? फेमस केशवानंद, भारती केस, देन अभी हमने पढ़ा IR कोहेलो केस। सो ये लेजिस्लेटिव आर्म पे रेस्ट्रेंट किया है। एग्जीक्यूटिव आर्म पे बहुत सारे केसेस हैं, लिली थॉमस केस, देन जैन हवाला केस, SR बोबई केस। सो नंबर ऑफ केसेस, और जुडिशरी ने खुद पे भी किया है, द फेमस सेकेंड एंड थर्ड जज केस, द स्टार्टिंग ऑफ कोलिजियम, देन द फर्स्ट PIL हुसैन आरा खातून केस, हुसैन नारा खातून केस, देन वन मोर केस नोन एज सुनील बत्रा केस। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड पोस्ट कार्ड एज अ PIL, सुनील बत्रा केस। देन देर इज येट अनदर केस कॉल्ड परमानंद कटारा केस, रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स। सो सच नंबर ऑफ केसेस हैव बीन डेल्ट बाय द जुडिशरी विद द टूल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो आज तक की क्लास में बस इतना ही, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले होंगे आपको। ये पूरा कंसोलिडेशन लक्ष्मीकांत में प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन सी। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।